यह आदमी यहीं आसपास का लगता है। इसे हवेली का रास्ता जरूर मालूम होगा। मैं अभी आता हूँ। मैं भी आती हूँ। Okay. जल्दी आना। भाई साहब, भाई साहब, ये बीजापुर की हवेली को कौन सा रास्ता जाता है? बीजापुर की हवेली, भाई साहब, ठाकुर हरिमान सिंह की हवेली, रास्ता कौन सा है भाई साहब? क्या हुआ? अजीब आदमी है यार, पता ऐसे बता रहा है जैसे गर्दन काटने वाला था। चलो। रात कैसे कटी? मजा आ गया। शाही पलंग पर लेटकर रात भर शहनशाही ख्वाब देखता रहा मैं, शहनशाह और सपना हमारी मलिकाए हुस्न। सुमन, क्या हुआ? तुम यहां क्यों आए हो? खाना? खाना नहीं बनाना? चूल्हा नहीं जलाना? वो दुर्जन ने बुलाया तो मैं लकड़ी ले आया, जाता हूं मैं। अजीब आदमी है। क्या बात है मालिक? इसे तुमने यहाँ बुलाया था? हाँ। किस लिए? बगैर लकड़ियों के खाना कैसा पकेगा, और लकड़ियां सारे गांव में सांगाई देता है। इसे यहाँ फिर नहीं बुलाना, समझे? चलो संजय। अभी अभी ये शहरी बाबू मुझसे हवेली के बारे में पूछताछ कर रहे थे। पता नहीं ये लोग शहर छोड़कर या क्या लेने आए हैं। मैं सब समझता हूँ, सब समझता हूँ मैं। ये लोग उस खजाने की तलाश में आए हैं जो इस हवेली में कहीं तबाह हुआ है। जब भी इस खजाने की बात करता हूँ, क्या पता तेरी माँ को क्या हो जाता है? मेरी माँ इस हवेली के बारे में बहुत कुछ जानती है, लेकिन बोल नहीं पाती, बेचारी गूंगी है ना। लेकिन मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि इस हवेली में खजाना है, है इस हवेली में खजाना। तुम्हें पूरा यकीन है इस हवेली में खजाना है? अगर हवेली में खजाना नहीं होता तो ये लोग इतनी दूर से सुनसान वीरान हवेली में क्यों आते है? कल सुबह दुर्जन से कहकर ये दीवार बंद कर देंगे। कल सुबह ये लोग खजाना लेने यहाँ आएंगे, इससे पहले हम इसी वक्त से ले चलते हैं। अभी नहीं। क्यों? आज रात को जब ये लोग सो जाएंगे तब मैं बग्घी लेकर हवेली की पिछले दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। होशियारी से खजाना लेकर वही आना। ठीक है, ठीक है, तो चलो पत्ती बुझने का इंतजार करते हैं। चलो। हट।
क्या हुआ दुर्जन, इतना शोर क्यों मचा रहे?